और ये देखिए मेरे बाई तरफ में अभी कंडक धाम कंडकेश्वर महादेव का जो ये पीरी और उत्तरकाशी को एक ऐसा बुग्यारा दयारा बुग्यारा एक ऐसा ग्राउंड पे खड़ा हूँ जो कि यदि मैं राइट साइड में अपना कैमरा लगाऊं तो मुझे दिखाई देता है टिहरी, और लेफ्ट साइड में लगा के देखूं तो ये मुझे नज़र आ रहा है उत्तरकाशी जिला। और तमाम यहाँ पर आज प्रोग्राम चल रहा है, और जब मैं उस प्रोग्राम में पहुँचता हूँ तो वहाँ पर मुझे मिलते हैं यहाँ के आने वाले टाइम के बहुत कदावर नेता और कॉलेज प्रेसिडेंट भी रहे हैं प्रदीप कैंतुरा जी, वहाँ पर मिलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर समिति के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया कहीं ना कहीं टूर एंड टूरिज्म बनाने का जो सरकार का और प्लस जनता का है प्लान, उसके देखता हूँ। कैंतुरा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या बोलेंगे आज, आज शिलान्यास है यहाँ कंडकेश्वर में, क्या बोलेंगे आप आज के प्रोग्राम के लिए? पहले तो सर आपका और मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आप इतनी चढ़ाई में चढ़कर ऐसी नैसर्गिक जगह पे आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अपने इस क्षेत्र में। सर ये जो कंडकेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये बहुत ही पौराणिक मंदिर हमारा है, और पूरे बिष्ट पट्टी और दस्की की जो आस्था का विषय है, आस्था का केंद्र है यह मंदिर, और बहुत दूरस्थ है और सड़क से काफ़ी दूरी है, कई समस्याएं यहाँ पर है, और यही कारण रहा कि अभी तक हमने यहाँ पर भव्य और दिव्य रूप इस मंदिर को नहीं दे पाया। आज हमारे स्थानीय विधायक आए हैं, दो विधानसभाओं के विधायक आए हैं, हमें भरोसा है कि निश्चित रूप से कुछ अच्छा करेंगे इस ऐसे धार्मिक स्थलों को। हम तो चाहते हैं, हम युवाओं की मांग है कि इस प्रकार के धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में भी जोड़ा जाए, और जब ये पर्यटन के रूप से में जुड़ेगा निश्चित रूप से यहाँ से पलायन और बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक कम होगी। आज हमारे जो बीच में पहुंचे हुए हैं धनोल्टी के विधायक प्रीतम सिंह पंवार जी और यमुनोत्री की विधायक केदार सिंह रावत जी, आज शिलान्यास किया गया, तो कैंतुरा साहब अभी तक ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि कितना अमाउंट मिलने वाला है और भव्य मंदिर कैसे बनेगा, क्या कुछ ऐसा आपके पास जानकारी है? देखिए, जो अभी मैंने कार्यक्रम में माननीय विधायक धनोल्टी प्रीतम पंवार जी ने अपने संबोधन में कहा कि निश्चित रूप से जो आयोजक करता है उनको पूरा भरोसा उन्होंने दिया है, और पहले भी विधायक जी के द्वारा जब वो यमुनोत्री से विधायक रहे हैं उनके द्वारा विभिन्न ऐसे हमारे धार्मिक स्थलों के लिए उन्होंने पैसा दिया है, और कई मंदिर, चाहे सिद्धेश्वर मंदिर लगाएं आप, रेणुका मंदिर देवीधार में लगाएं, या आप टिपरी में लगाएं, उनके द्वारा बार बार यहाँ की जनता को आश्वस्त किया जाता है, और बिल्कुल उन्होंने किया भी है, तो हम भी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से जो घोषणा उनके द्वारा की गई है वो पूरा करेंगे। कैतुरा जी, क्या बोलेंगे आप समिति के द्वारा जो आज प्रयास किया गया पहली बार इस तरीके से? बिल्कुल सराहनीय प्रयास है, और जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। इतने हाइट पे जो है इस प्रकार के निर्माण करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण विषय है। यहाँ पर पानी की बूंद नहीं है, उसके बाद भी इतना भव्य रूप देना मंदिर को एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसको अगर यहाँ पर कमेटी ने उस चुनौती को स्वीकार किया है तो अपने आप में तारीफ के काबिल। तो आप भी कैतुरा साहब आने वाले टाइम की एक आवाज़ है पब्लिक की, तो क्या क्या माना जाए कि आप भी इस कदम की ओर उनकी समिति को पूरी तरीके से सहयोग करेंगे आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ें आ रही हैं, क्या बोला जाए अपनी ओर से? निश्चित रूप से सर ये हमारा आस्था का विषय है, और जितना हम कर पाएंगे अपने इस क्षेत्र के लिए बहुत कम होगा, क्योंकि भगवान कंडकेश्वर महादेव और यहाँ के तमाम देवी देवताओं की कृपा इस क्षेत्र पे हमेशा रही है। साथ में एक जगह है टूरिज्म के लायक जगह है, इसको विकसित किया जा सकता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं कैतुरा जी का मानना है कि बहुत शानदार जगह है, टूरिस्ट और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए भी एक सहायक सिद्ध हो सकता है, प्लान का मुद्दा बराबर सरकार रात दिन लगी हुई है, तो शायद यदि यहाँ पर कुछ विकसित किया जाता है तो कई यूथों को यहाँ पर जॉब मिलने वाला है। बिल्कुल अपने सहयोगी गणेश जोशी के साथ महेश बोगुणा, उत्तरकाशी उत्तराखंड, कंडक धाम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से।